हाँ जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे वो है जी मुंजिया। मुंजिया मूवी का रिव्यू, क्योंकि मैं ये मूवी देखने गया था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था। काफ़ी टाइम हो गया मैं ये वीडियो प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनी नहीं पा रही है। तो फाइनली अब मैं इस मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये मूवी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मूवी निकली। मैंने इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मूवी के बारे में, क्योंकि मैं गया था सर मूवी देखने की, चलो इंडियन हॉरर कॉमेडी मूवी है तो शायद चलो ठीक ठाक होगी। पर ये मूवी मुझे उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगी जितनी मुझे भूल भुलैया मूवी किसी टाइम पे अच्छी लगी थी अक्षय कुमार की। हालांकि उसके अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, इसके अंदर तो उतने दिग्गज कलाकार नहीं है, सिर्फ एक मोना सिंह और शर्वरी और ये जो लड़का है ये भी बिल्कुल नया लड़का है। लेकिन हर एक किरदार ने इस मूवी के अंदर जान डाली है, हर एक किरदार ने इसके अंदर बेहतरीन एक्टिंग करी है। और जहाँ तक बात करें कॉमिक आस्पेक्ट की, तो शायद कॉमिक आस्पेक्ट में ये थोड़ी मूवी लैक करती हो, लेकिन हॉरर आस्पेक्ट के अंदर ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हालांकि मैं थिएटर के अंदर बिल्कुल अकेला था, तो एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे वाकई में डर लगा। स्पेशली वो सीन जहाँ पे ये जो लड़का है वो सो रहा होता है और मुंजा आके उसे डराता है, एक वो वाला सीन। और एक दो सीन ऐसे थे, क्योंकि एक मुंजा की आवाज़ ही इन्होंने बहुत ही ख़तरनाक सी बनाई है, उसके बाद इसका जो चेहरा है वो भी काफ़ी ख़तरनाक सा बनाया है। तो मुझे लगता है कि शायद छोटे बच्चों को आप इस मूवी के अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन हालांकि आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए जबकि आप सिनेमाघरों के अंदर ये मूवी देख रहे हो। और बाकी बात करें इसका स्त्री के अंदर लिंक का, तो एक जो लास्ट के अंदर शबरी का गाना आता है, उस गाने के बाद एक सीन आता है जिसके अंदर इसको शायद जो मैडॉक की जो पिछली मूवीज़ हैं उसके साथ इसको जोड़ा जाए। मुझे नहीं लगता कि इसका वो भेड़िया के साथ कहीं जोड़ा जाएगा, पर स्त्री और इसके अंदर एक ये कॉमन चीज़ है कि स्त्री के अंदर भी जो आत्मा थी स्त्री की, वो शादी करना चाहती थी अपने लवर से कि गांव वाले ने उसे मार दिया था, तो ऐसी कुछ कहानी थी। और मुंजिया मूवी के अंदर भी जो ये एक छोटा लड़का है वो भी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है, उसके बाद फिर उसे गांव वाले क्या करते हैं वो आप इस मूवी के अंदर ही जाके देखना। मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन ये छोटा बच्चा है और लेकिन ये भूत है, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। और कुछ एक सीन तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। और ये मूवी जो है, कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि जब OTT पे आएगी तब हम देख लेंगे, तो अभी हमें थिएटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे लगता है कि आपको थिएटर्स में जाके ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो साउंड इफेक्ट है साउंड, क्योंकि हॉरर मूवीज़ जो हैं थिएटर्स के अंदर में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि साउंड बहुत आपको कई जगहों पे डराता है। और दूसरी जो लोकेशंस हैं वो भी बड़ी अच्छी तरीके से पिक्चराइज की गई हैं, जैसे कि ये पेड़ जो है वो जो ये बोल लीजिए श्रापित पेड़ है, इसकी जो पूरी वो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पिक्चराइज की गई है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मूवी जो है थिएटर्स के अंदर जाके ज़रूर देखनी चाहिए। और ज़्यादा लंबी मूवी नहीं है, इसको ज़्यादा खींचा नहीं गया, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती खींचा गया हो या कहानी को बहुत ज़्यादा खींचा गया हो। 2 घंटे के अंदर ये पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। और टेक्निकल परस्पेक्टिव से अगर मैं इसकी एक छोटी सी कमी निकालना चाहूँ तो वो ये है कि जो मुंजिया है उसका जो वो क्या है क्यों है वो बिल्कुल ही बिगिनिंग में इन्होंने बता दिया, उसका एक बिल्डअप तैयार कर सकते थे, मतलब कि 30-45 मिनट मूवी के हो जाने के बाद उसको रिवील कर सकते थे। लेकिन आपको बिगिनिंग में ही पता चल जाता है कि मुंजिया कौन है और वो वहाँ पे क्यों है और वो क्या करना चाहता है। तो बस एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल व्यूअर की तरह देखते तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जो लोग आजकल हर बंदा क्रिएटर है वो हर बंदा फिल्म मेकिंग में है, तो अगर आप फिल्म मेकिंग का शौकीन अगर आप फिल्म मेकिंग के शौकीन हैं और अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप वीडियोस बनाते हैं, तो आप मेरी बात को समझे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसको एक बिल्डअप तैयार कर सकते थे, 40-45 मिनट के बाद मुंजिया को रिवील कर सकते थे। बट बहरहाल मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी एंगेजिंग लगी, और 2 घंटे होने के कारण जो है मैं कहीं भी बोर नहीं हुआ। और हालांकि 10 मिनट का बीच में ब्रेक हुआ था, तो इंटरमिशन हुआ था, लेकिन उसमें भी उसके बाद भी मतलब मूवी का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों ही मुझे बहुत बढ़िया लगे। और स्त्री के साथ अब इसका कुछ लिंकअप होगा, तो ये मूवी इसलिए भी आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप स्त्री 2 देखने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप ये मूवी देख सकते हो। और अगर मैं इसको ओवरऑल रेटिंग दूँ आउट ऑफ 5, तो मेरे हिसाब से 3.5 से 4 रेटिंग भी दे सकते हैं वैसे, पर 3.5 क्योंकि मैंने जो
एक नंबर काटा है, उसका कॉमिक आस्पेक्ट मुझे इतना ज़्यादा कॉमिक नहीं लगा। कुछ लोगों को ये ऑफेंड भी कर सकता है कुछ एक सेक्शन इस मूवी का, और बाकी जो नंबर मैंने काटे हैं वो काटे हैं कि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल आस्पेक्ट से जो इसका पहले ही मुंजा का जो है वो बता दिया, पहले ही कुछ मिनट्स के अंदर ही आपको पता चल गया कि मुंजा कौन है। तो बाकी स्त्री मूवी जो आ रही है स्त्री टू, क्योंकि स्त्री काफ़ी हिट मूवी थी और ऐसी मूवीज़ का हिट होने का कारण ये भी है क्योंकि ये जो है लोक कथाओं पे बनी हुई मूवीज़ हैं और हम लोगों ने जब हम छोटे थे तो ऐसी कहानियाँ सुनी हुई हैं कि घर के बाहर से पंजे का निशान बना दो या कुछ लिख दो तो आप भूत प्रेतों से बच जाते हो, या कि एक पेड़ जो है वो श्रापित है या एक जगह जो है वो श्रापित है, तो ऐसी जो कहानियों से लोग रिलेट कर पाते हैं इसलिए हमें ये वाली मूवीज़ अच्छी लगती हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है भूल भुलैया मूवी, उसके हिट होने का भी यही सबसे बड़ा कारण था कि कुछ लोग रिलेट कर पा रहे थे, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा था कि यार ये सब चल क्या रहा है मूवी के अंदर। तो बहरहाल जी मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं थिएटर्स के अंदर जाके, और मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली मूवी या किसी और वेब सीरीज़ के रिव्यू के अंदर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय, रब रखा एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।